कोई नहीं आएगा। लिहाजा वो दोनों अपने अपने लिमिटेशन में खेल रहे हैं। देखिए बहस में सीधी बात ये कहता हूँ कि जो मर्जी हम लोग करें, हमें जमहूरियत और इसका भी और हमने फौज के भी बड़े तजर्बे हैं, मैंने भी जिया उल हक की जेल काटी हुई है जी सही। बात यह है कि यहाँ आखिरी फैसला जो है ना, या तो ये सिस्टम अपनी मुद्दत पूरी करेगा या दरमियान में अगर कोई फैसला होना है तो वो फौज करेगी, अदलिया से नहीं आएगा। वो फौज करेगी क्योंकि अदलिया से नहीं, अदलिया को भी अपना फैसला फौज से इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। सही। और अगर फौज ने चाहा तो हो जाएगा, अगर वो पूरा करने देते तो पूरा। आर्टिकल 190 मसलन जस्टिस सज्जाद अली खान ने कोशिश की थी, उन्होंने वापस भेज दिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। और फिर आपको याद है कि लगारी साहब को जाना पड़ा। अब प्रॉब्लम ये है कि यूसुफ़ गिलानी साहब लगारी बनने को तैयार नहीं है। सही है। तो ये भी एक मसला पैदा हुआ। और अगर इलेक्शन हो भी जाए, कुछ लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे भारी मैंडेट तो नहीं आएगा। गिलानी साहब जो हैं शायद कोई अलम बगावत बुलंद करेंगे, कोई मुजाहिद बनेंगे और इस किस्म के काम करेंगे। बड़ी मायूसी होती है तब जब वो जरदारी साहब के साथ अपनी एफिलिएशन को शो करते हैं। क्यों यार, वो उनका पार्टी चीफ है, उसने उनको वजीर आजम बनाया है। सारी जो मेजोरिटी या ताकत लेके गिलानी साहब बैठे हैं वो जरदारी साहब की मुहैया की हुई है, तो वो उनको फॉलो ना करें तो और क्या करें। या आप ऐसे ही बात कर रहे हैं जैसे शहबाज शरीफ साहब कल नवाज शरीफ साहब को हुक्म मानने से इनकार, सोनिया गांधी का हुक्म, ये तो कोई बात नहीं है। ये तो जो 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 निज़ाम है उसमें गिलानी साहब जो है उन्हें जरदारी साहब के साथ चलना है। तो उसको ये है कि ये कि उसका नतीजा क्या, नतीजा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये तो हो सकता था ना जी कि जिस तरह फारूक लगारी ने साजिश की अपनी पार्टी की जो हेड थी, चेयरपर्सन थी और वजीर अजम थी बेनजीर भुट्टो, वो तो साजिश की थी ना उसने। तो ऐसे भी मीर जाफर हो सकते हैं, लेकिन यूसुफ़ गिलानी साहब जो एक सियासी आदमी हैं। अच्छा, आपको उनकी तरफ से कोई बहुत बड़ी चाहिए? अच्छा जी, एक बड़ी दिलचस्पी लोग बहसें कर रहे हैं, कहते हैं कि ये चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से ये भी पूछा है कि वो जो स्विट्जरलैंड के बैंकों में जो 6 करोड़ डॉलर थे उनका स्टेटस क्या है, वो वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। वो इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि अब सारा मसला उस करप्शन का है, उस करप्शन की दौलत को वापस लाने का है। यार वो कभी कहते हैं उसके 125 क्लेमेंट हैं, कभी कोई चीज़ सामने आ जाती है, वो किस तरह वापस आने हैं ये भी किसी को नहीं पता, उनकी पोजीशन क्या है ये भी किसी को नहीं पता, उनका नाम लिया जाता है लेके चला देते हैं। वो किसी को कोई एग्जैक्ट उसका वजूद मुझे तो अभी तक, आपको कोई नज़र आया हो कोई क्या है? सारी बेस उसी पे ही है ना इस वक्त, सारी उन पैसों पे ही है। इजाफा सिर्फ करूँगा जी कि फर्स्ट करें, हुकूमत पाकिस्तान लिख देती है जी कि जी स्विस केसेस जो हैं वो खोल दिए जाएँ। सही। वो खाली जरदारी साहब के तो नहीं होंगे, पूरे होंगे ना वो केसेस पे, तो क्या उनका भी सुओ मोटो फैसला हो जाएगा? मैं फॉलो नहीं कर सका सर। मकसद है कि ओवरनाइट वो स्विट्जरलैंड जो है वो जरदारी साहब को कन्वर्ट कर देगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। फिर वो तो केस जो भी है, जो उसकी जिस तरह पहले सारा साल चलता, पता नहीं वो चल भी सकता है नहीं। जो एक दफा केस खत्म हो गया उसको इस तरह दोबारा नहीं खोला जा सकता। वो कहते हैं जैसे यूंग को भी पकड़ोगे उसने क्यों जाके खत्म किया था। मुझे आज भी मियाँ साहब ने कहा कि जरदारी साहब वो दौलत वापस दे दें। यार बात यह है, बेनजीर साहिबा की शहादत के बाद जब कुलीश ने बनाई सारी मोहब्बतें की, सही, उस वक्त ये जरदारी ये नहीं था, ये बाद में बनाया। उस वक्त ये पता नहीं था कि ये है, उसी जरदारी के साथ मिलकर बैठे, उसी के साथ मिलकर हुकूमतें बनाई, उसी से वो किया। ये हमारी एक अजीब सियासत है, हम वो उसको याद नहीं रखते। और एक ये जो है करप्शन, फलां इतने पैसे, फलां इतने पैसे, मुझे ये बताया जब ये कहते हैं जी करप्शन हो रही है, मैं कहता हूँ बड़ी करप्ट हुकूमत है। मुझे करप्शन का एक केस तो लाए, उसको अदालत में दाखिल करते हैं, अगले बंदे से पैसे निकलवाते हैं। सही। एक जनरल टर्म है करप्शन, एक जनरल टर्म है गुड गवर्नेंस। मुझे आज तक समझ नहीं गुड गवर्नेंस क्या होती है, क्योंकि या तो फिर वो परवेज मुशर्रफ वाली थी, आप उसको मान लें। सही। या उससे पहले कोई आरफ साहब आपने देखी हो यूब खान के ज़माने में कोई मॉडल गुड गवर्नेंस? जी वो बहुत गुड गवर्नेंस थी, सिर्फ उसके नतीजे में आधा मुल्क आपने खो दिया। मुशर्रफ साहब की गुड गवर्नेंस ये थी, गरीब गरीब सरते हुआ, अमीर अमीर तर हुआ, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं लगा। आज मुझे हैरानगी होती है कि बाज मुशर्रफ के जो 7-8 साल मज़े किए हैं वो कहते हैं जी काला बाग डैम फ़ौरन बनाओ। ये सवाल ये है
कि आपने जब आप थे उस वक्त तो कालाबाग डैम नहीं बनाया। दूसरे में एक बात मैं करूँ, ये जो है ना बेलाग एहतसाब और इसकी बात होती है, ये बिल एक पेंडिंग है एक साल से, ये अगर आ जाए ना बेलाग एहतसाब, जो आज कहते हैं कि जरदारी साहब के पैसे वापस लें, उनके लिए भी ये बेलाग एहतसाब की जो है ना वो आसान नहीं कर सकेंगे। इस मुल्क में बहुत सारे सियासतदानों ने हाथ रंगे और सियासतदानों के अलावा और भी ब्यूरोक्रेट्स ने भी, सही बड़े लोग हैं एनआरओ में, सिर्फ सियासतदान तो बहुत थोड़े थे। देखिए मुशर्रफ जो है करोड़ों रुपए की जनाब वो डोनेशंस देने आ रही हैं, डोनेशन के अलावा उनका एक दुबई में महल है, एक लंदन में घर है, वो सारी दुनिया में ग्लोब क्रॉपिंग कर बात निकलेगी तो फिर बहुत दूर तक लग जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रिजान साहब यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए, सैदाबाद सदर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन ये जो कहा जा रहा है ना, कुछ लोग कहते हैं कि चाय की प्याली में तूफान है, मैं इस पर तो नहीं कहूँगा कि ये है कि नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि मामला को इतना बढ़ा चढ़ा कर ना बयान किया जाए, हमारे दोस्त भी जो हैं वो इतना बढ़ा चढ़ा कर बयान ना करें कि आवाम की ज़िंदगी अजीर्ण हो जाए, खुद हमारी मीडिया की क्रेडिबिलिटी जो है वो जो है मुतासर होने लग पड़े और हम कहें कि पता नहीं क्या होने लगा और फिर वो तो तारीख गुजर जाए, हम अगली तारीख देना शुरू कर दें। हमें इसमें पार्टी नहीं बनना, हमें बतौर जर्नलिस्ट सिर्फ वाकयात को रिपोर्ट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे साथ रहने के लिए और मैं खासतौर पर शुक्रगुजार हूँ जनाब निज़ामी साहब का भी, अब्बास सत्तर साहब का भी, कि उन्होंने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया और इस अहम सूरत हाल पर अहम मौके पर हमारी रहनुमाई की। प्रोग्राम का वक्त हो रहा है ख़त्म, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।